अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। सबसे बड़ी खबर, कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में सभी स्कूल और कॉलेज लंबे समय से बंद रहे हैं। ज़्यादातर स्कूलों में समय से पहले गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई थी या ऑनलाइन क्लास के सारे शैक्षणिक सत्र पूरा किया जा रहा था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर लगभग ख़त्म होने की कगार पर है और नए संक्रमित मामलों में तेज़ी से कमी आई है, इसलिए स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार किया जा रहा है। 1 जुलाई से खुलेंगे, हाँ ध्यान से सुनिए, 1 जुलाई से खुलेंगे 1.5 लाख से अधिक। उत्तर प्रदेश सरकार लगभग पिछले साल से बंद प्राइमरी स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी कर रही है। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त 1.5 लाख यानी कि लगभग 1.5 लाख से अधिक स्कूल कोरोना वायरस महामारी के चलते 30 जून तक बंद हैं, 30 जून तक बंद हैं, जो 1 जुलाई से दोबारा खुलने जा रहे हैं। सिर्फ स्कूल टीचर और स्टाफ करेंगे विजिट, जी हाँ, सिर्फ स्कूल टीचर और स्टाफ करेंगे विजिट। राज्य सरकार ने फिलहाल प्राइमरी स्कूल में केवल शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी है, अभी छात्र को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। स्रोत के मुताबिक अधिकारी ने दी है ये सूचना। यूपी बीईबी के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार छात्रों को अगले आदेश तक स्कूल में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जारी किए गए आदेश के मुताबिक स्कूल टीचर और स्टाफ को उनकी आवश्यकता के आधार पर बुला सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूपी बीईबी के अलावा अन्य स्कूलों के लिए भी कोई भी निर्णय स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा ही लिया जाएगा। 1 जुलाई से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE और काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISCE से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए सरकार ने शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को बुलाने या नहीं बुलाने का फैसला भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पर छोड़ दिया है। फिलहाल अगला आदेश जारी होने तक छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई